सेंटी श्री धूलीपुदी पंडित, इन्हें अपने लैक्चर से यही कहा, उन्हें कहा जी जड़ा जिन्हें देवते ने शिव जी और पार्वती और दूजे तो सारे दलित ने शूदर ने, उन्हें कहा भी कोई होर ब्राह्मण तुसी शमशान घाट च गल च सप्प पा के शरीर से जड़ा वो सवाल जड़ा मल के बैठा हो सकता है। उन्हें कहा जी घट कपड़े मिलते ही दलता नूं सी ते शमशाना च रहना ते सप्पां दे नाल रहना शूदरां दा ही काम सी। किस हद तक प्रैशर है वह तुसी अंदाजा लाओ कि नाल दी नाल उसका ऐसा शिकंजा कसिया। अज उहदा बयान आया आई वॉज मिसकोटेड, आई वॉज ओनली पैराफ्रेजिंग अंबेदकरज व्यूज। मैं तो यह भी जी जेंडर जस्टिस की गल भी की और मनु समृति के हवाले नाल किया, ये भी मैं जिहड़ा अंबेदकर नूं ही कोट किया सी। दे शुड गैट एंगरी विद बी आर अंबेदकर। मैं तो एक प्रोफेसर हाँ, मैं कोई जी है वो मैं ओरिजिनल थिंकर थोड़ी है। 24 घंटे अपनी वो कोट के उत्ते भी नहीं खलो सकी। इस तो अंदाजा लाओ कि उत्थे किन्नी क एकेडेमिक फ्रीडम है ते किन्नी क उत्थे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। व्यूअर्स वेलकम बैक इन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि जवाहर लाल नहरू दिल्ली की यूनीवर्सिटी वाइस चांसलर वालों दिए गए एक लैक्चर में उसने कहा कि सारे हिंदू देवी देवते शूद्र सन ब्राह्मण नहीं, पर हुण भारी दबाव हेठ उसने अपने बयान तो किनारा कर दिता है। ये दबाव की है इस बारे आप गलबात करन जा रहे हैं। सो असी चाहवांगे कि तुसाने इस तरह बने रहना, देखण सुनने लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो कल असी एक सैगमेंट किया सी और उसका बेस सी कि जवाहर लाल नहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली की वाइस चांसलर बीबी शांति श्री धूलीपुदी पंडित, उन्होंने एक सैमीनार जिहड़ा डॉक्टर अंबेदकर दियां की वैल्यूज ने, उन्होंने किवें विमेन एम्पावरमेंट की गल की है और जिहड़ा यूनिफॉर्म सिविल कोड के उत्ते अज की चल रहा है इस दे उत्ते उन्हें गल करनी सी और असी वेरवे गल की, उन्हें मैं रिपीट नहीं करांगा। अच्छा। लेकिन असी इस गल की शलाघा की सी कि देखो ये बीबी ने भावें ना नाल पंडित लाया होया है, पता नहीं वाकई ही पंडित नाल जां विआह कराया होएगा जां वैसे, पर उन्हें दो तीन गल्लां बड़े धड़ल्ले नाल कही हैं। हालां जाहिर है कि वो बेसिक थॉट तो डॉक्टर बी आर अंबेदकर ने जिमें जड़ा कास्ट सिस्टम नू समझे, क्योंकि वो खुद मुहार जाति जड़ी महाराष्ट्र की एक बड़ी जिसनों इन्होंने शूदर की कैटागरी खुद उन्होंने संबंध उन्होंने सी और वो एक बहुत व्डे रोशन दिमाग स्कॉलर इतने कोलंबिया यूनिवर्सिटी पढ़ के भी गए और बहुत चंगी तरह ब्राह्मणवाद नू और संस्कृत के भी स्कॉलर होने के नाते उन्होंने जदों भी ये ब्राह्मणवाद की है इसनों एक्सप्लेन किया तो इन्होंने मूल सोर्सिज नू बेसिक सोर्सिज नू कोट किया, वो ऋग्वेद होए वो मनु समृति होए वो इन्हां दियां बाकी जड़ियां ने परंपरावां होण, इसलिए उन्होंने जीवन काल वेले भी उन्होंने इस जो उन्होंने लाइन सी उन्होंने कोई चैलेंज नहीं कर थ्रैट जरूर किया है और असी समझते हैं भी उन्होंने थ्रैट्स का ही ये नतीजा सी खास तौर पर गांधी वालों और ये बड़ी अहमियत वाली गल है। अज साडे कई बार कुछ दलित भैन भरा नाराज़ हो जाते हैं जो कुछ मेरे साढ़े नाल तो नहीं जो कोई सोशल सिस्टम से कोई गल कर, देखो ये भी एक प्रॉब्लम बन जाती है जदों असी किसी भी सियासी फिगर जिहड़ी मजहबी फिगर है उहदे ते तां हर मजहब वाला सवाल नहीं करता, करना भी नहीं चाहिए, पर जदों असी सियासत च देखते हैं फिर जे असी कुछ फिगरस नू मजहबी फिगरस वांगे मन लईए कि दे कांट बी रोंग, वो गलत हो ही नहीं सकते, इनू ही फिर असी अन्ना विश्वास कहिंदे हैं और यही जिहड़ा कल्ट हुंदा है, वो कल्ट सियासत भी हुंदा है, जिहड़े लोग अन्ने किसी दे फॉलोअर बनते हैं अखां बंद कर लैंदे ने और मैं समझदा है भी ये भी किसी शख्सियत दे नाल बेइंसाफी हुंदी है, क्योंकि ठीक है भी वो किन्हां हालातों चो गुजरते ने किन्हां हालातों चो कोई फैसला लैंदे ने, पर जे हर फैसले नू जस्टिफाई करन दी लाइन होए फिर यही अंधभगती कवाएगी। हुण डॉक्टर बी आर अंबेदकर जिवें असी हमेशा ही उन्हां दी तारीफ करते हैं, उन्हां दी समझ हमेशा ये भी इशू रहिंदा है कि भाई वो सिख धर्म वल आना चाहुंदे सी फिर क्यों नहीं आए,
पर जे अज जदों असी और कोई भी घटना जदों दलतां दे उत्ते जुल्मां दी हुंदी है जिवें असी सिखां कश्मीरियां भारत दे मुसलमानां दी आवाज़ हैं उत्थे असी अपने दलित वीरां भैणां दी वी क्योंकि मेरा तो हमेशा ही ये कहना हुंदा है कि सिक्स ऑफ द दलित बाई द दलित फॉर द दलित लेकिन इहदे बावजूद कि डॉक्टर बी आर अंबेदकर ने 1950 दे भारतीय आयन दे विच दलितां नू बराबर दे शहरी बना दिता ब्राह्मण दे नाल बिठा दिता है वोट का हक हर मर्द औरत नू दिता है और उस तो भी अगे जा के अगले 25 सालां लई रिजर्वेशन सीटां दी तां कि दलित वर्ग अनुसूचित जातियां और उहदे लई लफ़ज़ कॉन्स्टिट्यूशनली शड्यूल कास्ट शड्यूल ट्राइब ये इस्तेमाल होया और फिर अगों वीपी सिंह नूं एक क्रेडिट जांदा है कि जिहड़ी एक पासे रिजर्वेशन शड्यूल कास्ट शड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लासिस बीसीज लई कॉन्स्टिट्यूशन दे विच सी लेकिन वीपी सिंह ने मंडल कमीशन जिहड़ा बेशक इंदिरा गांधी दे वेले बणिया उहदियां रिपोर्टां नूं उहदी जिहड़ी रिकमेंडेशन सी कमीशन दी उहनूं लागू करके ओबीसी कैटागरी अदर बैकवर्ड क्लासिस उहनां नूं भी रिजर्वेशन दित्ती। इह वक्खरी गल है कि सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये सारे दे उत्ते एक फुल स्टॉप ला के कहा कि सिर्फ 49% टोटल किसी भी भावें वह सीटा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ने जां नौकरियां च ने कि 51% खुलियां छड़नियां होणगियां सीटा रिजर्वेशन थले मैक्सिमम 49% नहीं तां जिस तेजी नाल रिजर्वेशन की लाइन चल रही थी क्योंकि 85% तो जिहड़े ने पछड़े लोग ही ने गलत ही ने इन्हें वे और ये 12-15% ही रह जाते हैं। हालां सानू जदों कोई पुछदा है कि जी तुहाडी रिजर्वेशन ते की टेक है तो साडा ये कहना हुंदा है कि जी ये तुसी ब्राह्मणा खत्रियां लई जिहड़ा है वह 10-12% रिजर्व कर दिओ। उन्होंने कहा जी बहुत खास ने ब्राह्मण इन्हां दी रिजर्वेशन होनी चाहीदी है और इन्हां नूं बाकियां ते बाहर कर दिओ कि भाई सिर्फ ये अपनियां रिजर्व सीटां ही बाकी 85% खोल दिओ सारी रिजर्वेशन दा रौला ही मुक जांदा भी रिवर्स रिजर्वेशन करो। लेकिन इहदे च भी कोई शक नहीं है कि डॉक्टर ये इहदे बावजूद कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स रिजर्वेशन है पिछले 75 सालां दे विच आम दलित वर्ग की जिंदगी दे विच जां उहनां प्रति नफरत अज भी भारत के किनिया थावां ने घोड़े तो नहीं चढ़ सकते मुछ नहीं रख सकते कोई होर चंगा जीवन नहीं जी सकते और उन्होंने किनिया और दलित बच्चियों के नाल की होंगे हाथरस का असं जिक्र करके हटे हैं और किन्ना कुछ होंगे। लेकिन जे असी ये देखिए कि भाई एक किवें द और दलितों वालों जी उन्हों की लीडरशिप है और डंके की चोट पर कहा जाता है कि भाई असी हिंदू नहीं है असी मूल निवासी हैं और कई बार वो सानू भी उन्होंने कुछ लिखणगे कि तुम हिंदुस्तान लफज ना इस्तेमाल करो इन भारत कहो क्योंकि असी हिंदू नहीं है सानू जबरदस्ती क्यों हिंदू खाने च पाया जाता है। पर दूसरा पक्ष जे असी ये देखिए कि किवें जदों कम्यूनल अवार्ड आया 1930s दे विच इलैक्शन दे लई जिथे सैपरेट इलैक्टोरेट का कॉन्सैप्ट क्योंकि ये सारा 1930s दीआं डिवेलपमेंट्स ने जिथे मुसलमानों नू सैपरेट इलैक्टोरेट मिलिया कि वह अपने नुमाइंदे अपनिया वोटों नाल चुनणगे मुसलमान ही नुमाइंदे हुण मुसलमान ही वोटर होणगे सिखां नू सैपरेट इलैक्टोरेट मिलिया कि सिख वोटों के नाल ही सिख नुमाइंदे चुने जाणगे दलितों नू भी सैपरेट इलैक्टोरेट मिलिया कि भाई वह जिहड़े ने हिंदू नहीं ने वह दलित एज ए आइडेंटिटी आ अपने नुमाइंदे चुनणगे और वह पीरियड सी कि गांधी ने मरण वर्त रख लिया कि दलित तो मेरा इनसैपरेबल साडा और उन्होंने नज़र आता सी कि जे साडे ट्रैप चो निकल गए तो जिहड़ा राम राज और अज हिंदुत्वा दे रूप च जिवें इन्हां ने जफा मारिया होया वह किवें जिहड़ा हावी होएगा। नतीजे दे तौर ते डॉक्टर बी आर अंबेदकर जिथे उन्हां दीआं बहुत वड्डियां अचीवमेंट्स ने और मरण तो पहला वह बुद्ध धर्म च कन्वर्ट होए उन्होंने कहा मैं हिंदू जम्मिया जरूर है उहदे ते मेरा वस नहीं सी पर मैं मरना हिंदू दे तौर ते नहीं चाहुंदा और वह बुद्ध धर्म दे विच गए और एज ए बोधी मरे। लेकिन 1932 दे विच जां 30वें दा जदों गांधी दा वर्त रख्या कास्टिस्ट जिहड़े कास्ट हिंदू सी हाई कास्ट उन्होंने वायलेंस शुरू की दलितों के खिलाफ और धमकियां मिलनियां शुरू हुई कि जे गांधी मर गया इस मुद्दे दे उत्ते और दलितों दीआं झुग्गियां झोंपड़ियां नूं पहले ही उन्होंने अग लाणियां शुरू करता सी कई थावां दे उत्ते डॉक्टर अंबेदकर झुके और गांधी दे नाल पूना पैक्ट साइन होया और पूना पैक्ट सी कि दलितों ने अपना सैपरेट इलैक्टोरेट छड्ड दित्ता
और वापस हिंदू फोर्ट च जनरल सीटा च ये तो होया कि रिजर्वेशन होएगी इन्हें, लेकिन वो रिजर्वेशन क्योंकि जेडे बनते भी ने कोई दलतों वोटों नाल तो नहीं बनते, जनरल हल्कों चो आते हैं अज भी, तो वो उन्हां दी आवाज़ होंदे ने। सो जे ये ना टुटदा तो फिर ये शकल ही होर होंगी डिवीजन दे वेले भी, दलित फैक्टर एक डिफरेंट फैक्टर दे तौर पर आंदा और फिर 47 तो बाद जो इन्हों के हाथ पावर आई, दलित पहला ही हिंदू समाज का हिस्सा बन चुके सी, फिर उन्होंने सैपरेट इलैक्टोरेट मुसलमान और सिखा का भी तोड़ दिता है और 26 जनवरी 1950 के कॉन्स्टिट्यूशन 1 person 1 vote के थले डेमोक्रेसी के नाँ थले मेजोरिटेरियनिज़म का राज जिहड़ा कायम किया। हुण ये बैकग्राउंड मैं इसलिए दित्ती है कि भी अज भी जदों कोई भावें ये बीबी जिहड़ी वाइस चांसलर है सेंटी श्री तुलीपुदी पंडित, इन्हें अपने लैक्चर से यही कहा, उन्हें कहा जी ये जिहड़ा जिन्हें देवते ने शिव जी और पार्वती और दूजे तो सारे दलित ने शूदर ने, उन्हें कहा भी कोई होर ब्राह्मण तुसी शमशान घाट च गल च सप्प पा के शरीर ते जिहड़ा वो सवाल जिहड़ा मल के बैठा हो सकता है, उन्हें कहा जी घट कपड़े मिलते ही दलता नूं सी ते शमशाना च रहना ते सप्पां दे नाल रहना शूदरां दा ही काम सी, तो शिवजी भी शूदर सी ते उन्हां दे नाल बाकी देवत्यां दा भी, उन्होंने कहा हाँ एक खत्री रामचंद्र जिहड़े ने वो जरूर अवतार, वह भी खत्री ने ब्राह्मण नहीं है, हूँ ईवन कृष्ण भी खत्री नहीं है, कृष्ण यादव ने ग्वाले वह भी शूदरां च आ जाते हैं। हुण ये उन्हें कह तो दिता है लेकिन इन्ना ही हेट मेल, और हालां साढ़े एक जिहड़ा व्यूअर ने थले लिखा कि जी एवें तुसीं इस दा गल करदे हो, इसे बीबी ने किसान लहर के खिलाफ भी बयान दिता होया, बीजेपी दी थापी हुई है, इसे ने जिहड़ा खालिस्तानिया के खिलाफ सिखां के खिलाफ भी किया होया, पर मैं क्योंकि रिसर्च नहीं सी कीता इहनूं, मैनूं तां उहदी अटरेंस तो ही लगा कि मैं क्या भावें जो भी है इन्हें घट्टो घट चोट कीती है कि भाई इवें हुण किस हद तक प्रैशर है उहदा तुसीं अंदाज़ा लाओ कि नाल दी नाल उसका ऐसा शिकंजा कसया, अज उहदा बयान आया आई वॉज मिसकोटेड, आई वॉज ओनली पैराफ्रेजिंग अंबेडकर व्यूज, उन्हें कहा जी मैं तो अंबेडकर दे ही विचार दते सी, मेरे तो ये विचार नहीं, मैं तो थिंकर है ही नहीं, मैं तो अंबेडकर ने यह कहा, तो जे तुसी खिलाफत करनी है अंबेडकर दी करो, मेरी क्यों कर रहे हो। उन्हें कहा भी मैनू जिहड़ा इस तरह जेंडर जस्टिस बारे उन्हें कहा सी कल कि मनु समृति ने औरतों नूं और शूदरां नूं इको ब्रैकेट च रखे, सो उन्हें कहा भी ये जिहड़ियां ब्राह्मण और दूसरियां औरतां भी ने ये ब्राह्मण उदों ही ब्राह्मण ही बनदी जे ब्राह्मण दी घरवाली बणनी, तां औरत शूदर ही है मनु दे थले, गल तां बिल्कुल ठीक है। हुण उन्हें कहा जी ये जिहड़ी है मैं तां ये भी जिहड़ी जेंडर जस्टिस की गल भी की और मनु समृति के हवाले नाल कहा ये भी मैं जिहड़ा अंबेडकर नूं ही कोट किया सी, दे शुड गैट एंगरी विद बी आर अंबेडकर, मैं तो एक प्रोफेसर हाँ, मैं कोई जिहड़ी है वो मैं ओरिजिनल थिंकर थोड़ी है, आई एम नॉट एन ओरिजिनल थिंकर, आई एम ए प्रोफेसर, आई फील सो हर्ट, वाई आर पीपल पोलिटिसाइजिंग इट, और इस सारे दे उत्ते जिहड़ा है और उन्हें हुण क्या की सी एग्जैक्टली उहदे लफज हुण इसे न्यूज स्टोरी ने कोट किए ने, लैट मी टैल ऑल वेमेन, ये कल दी दा स्पीच सी, लैट मी टैल ऑल वेमेन दैट ऑल वेमेन अकॉर्डिंग टू मनु समृति आर शूद्रास, सो नो वोमेन कैन क्लेम शी इज़ ए ब्राह्मण और एनीथिंग एल्स, एंड इट्स ओनली बाई मैरिज दैट यू गैट द हसबेंड और फादरस कास्ट ऑन यू, कि प्यो की कास्ट तुहानू मिल गई जां हसबेंड की। आई थिंक दिस इज समथिंग विच इज एक्सट्रॉर्डिनरली रिग्रेसिव, कि पिछा खिचू है पर मनु समृति ये कहती है, पर मैं इस अज फिर इसलिए डिस्कस किया है कि भाई असी इनू सेंटी श्री तुलीपुदी पंडित नू कोई क्लीन सर्टिफिकेट नहीं सी दिता है कि भाई ये बहुत कोई हमदर्द है, पर असी उदी कोर्ट नू कीता, पर ईवन 24 घंटे अपनी वो कोर्ट के उत्ते भी नहीं खलो सकी। इस तो अंदाज़ा लाओ कि उत्थे किन्नी क एकेडेमिक फ्रीडम है ते किन्नी क उत्थे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। बिल्कुल, आर साहब थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। सो इत्थे लैणे ब्रेक, व्यूअर्स तुसां इसी तरह बने रहना, मिलते हैं छोटे जे ब्रेक तो बाद।